हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक हैकर के साथ किस तरह से मेरी फाइट होती है और किस तरह से मैं उस हैकर का किल कर देता हूँ। दोस्तों, हो सकता है कि वो हैकर था या कोई गेम का बग या ग्लिच था, तो इस चीज़ के बारे में तो मुझे ओबियसली नहीं पता क्या था क्या नहीं था, और जो भी हुआ वो मैंने अपनी इस गेम प्ले के अंदर हो चुका है रिकॉर्ड, और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी किसी भी खेले हुए गेम प्ले को अपने YouTube पर डालना चाहते हो, अपलोड करना चाहते हो मेरे किसी भी वीडियो को, तो आप लोग कर सकते हो। मेरे सारे के सारे वीडियो क्रिएटिव कॉमन है, मैं किसी भी अपने भाई को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उतरा हूँ और मैं काफ़ी दूर उतरा हूँ और यहाँ से मैं ये गाड़ी ले लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा वीडियो को आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस वीडियो के अंदर मेन वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, कि वो बंदा वाकई वो हैकर था या मेरा बहम था या गेम का कोई ग्लिच या बग था। क्योंकि मैं इस गेम को काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहा हूँ, अभी मैंने जस्ट पबजी खेलता था, उसके बाद पबजी खेलने के बाद बंद करने के बाद ही मैंने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया है, और इस गेम के बारे में मेरे को इतना सब नहीं पता है, इसीलिए मैं आप लोगों से उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है वो बंदा वाकई हैकर था, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि भाई वो सचमुच हैकर था, या फिर आप मेरे को ये भी कह सकते हो कि भाई कि वो हैकर नहीं था, गेम का बग या ग्लिच था, क्योंकि मुझे पता है उस मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस गेम का। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास लूट के नाम पे तो कुछ है नहीं, एक लेवल 2 का बैग है और मेरे पास एक छोटी सी गन है, और यहाँ पे एक बंदा दौड़ता हुआ इस साइड गया है, तो अगर उस बंदे के हत्थे में चढ़ गया तो वो मेरे को ज़रूर किल कर देगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मेरे पे गाड़ी की आवाज़ आई, शायद गाड़ी यहाँ से जा चुकी है, और इसके साथ ही मेरे को कुछ फुट स्टेप की आवाज़ भी आ रही है, हो सकता है कोई और बंदा यहाँ पे हो, तो मुझे तो पता है नहीं वो बंदा कहाँ है कहाँ नहीं, तो जैसे ही बंदा आता है मैं उसको आप लोगों को किल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास आप लोग देख सकते हो एक पिस्टल के सिवाय यहाँ पे कुछ नहीं, अगर उस बंदे के पास कोई अच्छी सी गन होगी तो वो मेरा यहीं कचुंबर निकाल देगा। तो और दोस्तों, इसके साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यार मेरे पास इस गेम को खेलने के लिए कोई भी दोस्त लोग नहीं है, आप लोग चाहो तो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो यार, मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पे इस गेम को खेलना चाहूँगा, और जो भी हम खेलेंगे आप लोग कहोगे तो हम लाइव स्ट्रीम वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार आप तो मेरे को रिक्वेस्ट डालिए और मेरे साथ, मतलब हम सोलो, जैसे कि मैं तकरीबन सोलो वर्जन स्कोड ही खेलता हूँ, तो फिर हम स्कोड स्कोड मैच खेलेंगे, और इससे आप लोगों का भी चैनल, अगर गेमिंग से रिलेटेड चैनल है तो आप लोगों का भी चैनल ग्रो हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास तो 8 से 8 हज़ार है कि 9 हज़ार है, मेरे को कुछ पता नहीं है, तो मतलब 8 से 9 हज़ार की मेरे पास जो आप लोगों की YouTube फैमिली हुआ है, और हम ही एक दूसरे के चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आप लोगों का भी चैनल ग्रो हो पाएगा, और जब हम गेमिंग के लाइव स्ट्रीम करेंगे तो आप मेरे साथ खेलोगे तो उससे भी आप लोगों के चैनल को, आपको जानते हुए, काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। तो आप मुझे कोई प्रो या नूब बंदे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस गेम के अंदर नूब हूँ, तो मेरे को तो कोई भी प्लेयर आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आप प्रो के नूब, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्यार से सारे भाई मिलके इस गेम को खेलेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो आप मेरे को रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और जो कि मेरी आईडी अनीस आहिर 238 है इस गेम के अंदर। तो मैं आप लोगों का अभी वेट करूंगा भाई कि कौन मेरा दोस्त या मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे भाई हैं वो मेरे साथ गेम खेलना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूंगा, और मैं बेसब्री से इंतज़ार भी करूंगा आप लोगों के साथ गेम खेल के, और काफ़ी अच्छा लगेगा यार मुझे भी यार आप लोगों के साथ गेम खेल के। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 1 किल हो चुका है और मेरे पास थोड़ी सी अच्छी लूट भी आ गई है, और चलिए देखते हैं आगे, मैं आप लोगों को उस हैकर बंदे से भी मिलाऊँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और सामान मिले तो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, तो या फिर कोई बंदा मिल जाए यार वो ढूंढ रहा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा कोई खास, और सामने एक साइड एक गाड़ी पड़ी है, मैं गाड़ी उठा के चलिए आगे की ओर चलता हूँ, सर्कल के अंदर पहुँचते और वहीं पर मेरी मुलाकात होने वाली उस बंदे से। तो दोस्तों, वो बंदा जो था, मैं जिसको हैकर बोल रहा हूँ, काफ़ी स्पीड से मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि मैंने उसकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, और वो गाड़ी में ब्लास्ट होने के बाद, किल होने के बाद भी वापस उसने मेरे पर अटैक कर दिया। यहाँ दोस्तों आप शायद इस चीज़ को बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं आप लोगों को गेम में आगे दिखाऊंगा, मैंने उसकी गाड़ी को तोड़ दिया, फिर जला दिया, और उस बंदे को भी किल कर दिया, और किल करने के बाद भी फिर से उसने उठ के मेरे पे वापस से अटैक किया। हो सकता है कि ये मेरा गेम का, मतलब गेम का कोई बग हो, ग्लिच हो, या फिर हो सकता है मेरे फ्रेम ड्रॉप की वजह से मुझे ऐसा लग रहा, या फिर आप लोग बता सकते हो कि वाकई वो बंदा हैकर था कि नहीं था, मतलब डिसीजन आप बताने का, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को इस गेम का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप जब देखोगे तो आप लोग शायद उसको फाइंड कर पाओ कि वो हैकर था या फिर कोई नॉर्मल बंदा या किसका बग या ग्लिच था। तो यहाँ पे तो कोई कुछ है नहीं,
और मैंने वीडियो को मतलब यार काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा था कि मैं आप लोगों को जल्दी से उस बंदे को दिखा दूँ कि वो हैकर है कि क्या है, तो आप लोग भी उसको पता चल लगा सको कोई हैकर था कि नहीं था। दोस्तों यहाँ पे सामने की साइड एक बंदा है और ये बंदा हैकर नहीं है, ये बंदा मतलब सिंपल सा मेरे जैसे कोई नॉर्मल प्लेयर है खेलने वाला। तो सबसे पहले मैं इसको किल कर देता हूँ, नहीं तो ये आगे जाके दिक्कत दे सकता है। इतना खड़ा है लेकिन ये क्या सोच रहा था मुझे नहीं पता, और मैंने इसको काफ़ी सारा डैमेज दे दिया है यहाँ पे, और बस अब इसमें एक दो गोली मारूंगा तो मैंने इसको डैमेज दे दिया। और इसके पास से मुझे काफ़ी अच्छी लूट भी मिल गई और एक स्पेशल गन भी मिल गई, जो कि इस गन का नाम मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हो ये कौन सी गन है। लेकिन यह गन ही काफ़ी अच्छी चलती है, काफ़ी स्टेबल चलती है और इसमें रिकॉइल काफ़ी कम है और बंदे को काफ़ी जल्दी ढेर कर देती है। तो अब मैं इस कार को यहाँ से नहीं लूँगा और मैं पैदल ही आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे साथ जो गेम में हुआ वो मतलब इतना अजीब टाइप क्या था वो मैं समझ ही नहीं पाया। और शायद जैसे कि हम सिंपल प्लेयर होते हैं, उनका प्लेयर तो यार इस तरह की मूवमेंट कभी कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना स्पीड जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने अभी वीडियो जितना फास्ट फॉरवर्ड कर रखा, वो इतनी स्पीड से वो प्लेयर दौड़ सकता था, इतनी स्पीड से वो प्लेयर मूवमेंट कर सकता था, लेकिन मेरे हाथे कैसे किल हो गया मुझे भी नहीं पता कि मेरे हाथों कैसे किल हो गया। अगर वो हैकर था तो कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, क्या हुआ क्या नहीं आप लोग देख, अभी आगे थोड़ा सा वीडियो और बढ़ेगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर वो था क्या, तो क्या है गेम का बग था, ग्लिच था, या फिर वो कोई हैकर ही था। तो चलिए देखते हैं वो, और मैं उस कभी मैं यहाँ से दोस्तों यहाँ पे सर्कल की ओर जाऊँगा और अब वो मुझे वो बंदा मिलने ही वाला है। और उससे पहले मैं एक सामने की ओर कार खड़ी है, कार लेके सर्कल में एंट्री करूँगा और वो कार वो भी बंदा एक स्नाइपिंग टावर के ऊपर से नीचे उतरेगा। तो आप उसकी जब नीचे उतरेगा स्नाइपिंग टावर से, तब दोस्तों आप उसकी स्पीड देख सकते हो कितनी स्पीड से वो बंदा नीचे उतरता है, कितनी स्पीड से कार के अंदर से बाहर आता है, कितनी स्पीड से वो कार चला सकता है। तो उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये कार पड़ी और कार लेके मैं जाऊँगा सर्कल में, और जैसे ही मैं इस कार की ब्रेक लगाऊँगा वो बंदा मेरे को मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं इस गेम में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि भाई क्या ये वाकई क्या गेम का इस तरह का बग या ग्लिच हो सकता है वही सब। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहां से कार लेके जैसे सर्कल में जाता हूं, तो अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों यहां पे एक देखिए ये बंदा, ये देखिए स्नाइपिंग टावर से देखिए कितनी स्पीड से इसने मूवमेंट किया और कितनी स्पीड से देखिए कार की तरफ दौड़ रहा है। और ये देखिए कार को डैमेज कर दिया और ये देखिए कार से बाहर कितनी स्पीड से आया, जैसे कि कोई रबड़ की गेंद बॉल वगैरह। और ये देखिए दोस्तों किल होने के बाद ये चेक कर रहा है और ये मैंने इसको यहाँ पे इजी किल कर दिया। तो दोस्तों इसी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आखिर था क्या, क्या आपका प्लेयर भी इतनी स्पीड से मूवमेंट करता है, ऐसी कोई ट्रिक है, या फिर ये हैकर ही कर सकते हैं। तो आपने देखा वो कार के अंदर से भी कितनी स्पीड से बाहर निकला और कितनी स्पीड से स्नाइपिंग टावर की ओर एक बार गया और फिर उसने कार उठाई। तो आप मेरे को कमेंट करके दोस्तों इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं कि अगर कोई बग है तो आप कह सकते हो भाई ये बग है, क्योंकि मुझे इस गेम के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा। और अगर ऐसी कोई ट्रिक है आप लोगों को पता है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे भी मेरे साथ भी शेयर कीजिए कमेंट में, ताकि मैं भी इस ट्रिक का लाभ उठाऊँ और मैं भी थोड़ी सी अपनी रैंकिंग वगैरह पुशअप करूँ। और आप लोगों की रिक्वेस्ट का मुझे यार बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी जो मेरे को रिक्वेस्ट डालेंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ मैच खेलना जरूर चाहूँगा। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग फिर से मेरे YouTube चैनल से कोई भी गेम प्ले का वीडियो अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो बेशक मोस्ट वेलकम, आप अपलोड कर सकते हो, अपना चैनल ग्रो कर सकते हो, अपना मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हो, और मैं किसी भी भाई को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, मेरे सारे के सारे वीडियो क्रिएटिव कॉमन है, आप सभी की है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और मैं करता हूँ तब तक आपकी रिक्वेस्टों का इंतज़ार, और फिर खेलेंगे और लाइव स्ट्रीम भी करेंगे।